डोईवाला के बुलावाला गांव में आज आत्मा परियोजना के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक एएन शर्मा व डॉक्टर संजय राठी ने कहा कि बरसात के मौसम में गन्ने व धान की फसल में अधिकांश कीट पतंगे फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके उपाय समय पर किया जाना जरूरी है। बता दें कि किसानों की फसलों को आधुनिकीकरण व पैदावार बढ़ाए जाने को लेकर उत्तराखंड कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं स्थानीय जनता व किसानों ने इस तरह के कैंप को महत्वपूर्ण बताया है और ऐसे कैंप के माध्यम से निश्चित तौर पर किसानों को बड़ा लाभ मिल सकेगा। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। एक ही गन्ने की बीमारी हमारे देहरादून जनपद में अभी तक ज़्यादा विस्तृत रूप से आई है। इसकी और धान के जो एक या दो समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए जो आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसका यथासंभव किसानों को जो जानकारी प्रदान करने की हमने बता दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जानकारी से अगर किसान समय समय पर इस तरह के कैंप लगते रहें तो इससे किसानों का ज्ञान वृद्धि भी होती है और उसमें किसान इस चीज़ों को पूछते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो निश्चित रूप से इस तरह के जो कैंप आयोजित होते हैं, इसमें किसानों की ज्ञान वृद्धि भी होती है, किसान इनको आत्मसात भी करते हैं और इससे उनके फसलों में जो अमूलचूल जो परिवर्तन रहते हैं उसमें करते हैं और निश्चित रूप से उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है और किसान जो तो अपने पैर पे स्वावलंबन की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे मार्केट बुल्लावाला में एक कृषि शिविर का आयोजन किया गया। काफ़ी किसान यहाँ पे आए, उनकी समस्याएं थी जैसे किसान निधि को लेके और किसानों ने बीजों के बारे में और हमारी खेती में चल रही बीमारियों का काफ़ी लोगों को इसका फायदा होगा। और इस समय फसल में कीट रोग पोषक तत्वों की भारी जो एक प्रबंधन की समस्या रहती है, उसमें किसानों को जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग, आत्मा परियोजना और ग्राम समिति के सभी सम्मानित अध्यक्ष किसान भाई इकट्ठे बैठे, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर ए के शर्मा जी जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं कृषि विज्ञान केंद्र के और मैं स्वयं उपस्थित रहा, तो किसानों को जानकारी दी गई उनके प्रश्नों के और उनकी जिज्ञासा के अनुरूप, जिसमें कि नई नई रसायन आजकल मौजूद हैं, किसानों को कई बार नहीं पता चलता। इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपस में संवाद जो होता है तो किसान अपनी जिज्ञासा के अनुरूप वो जानकारी हासिल करता है जिससे वो समस्या से परेशान है या आगे बढ़ना चाहता है।